बच्चे पैदा होने के बाद ही दोनों को शादी के बंधन में बंधने की अनुमति मिलती है। यदि दोनों के लिविन में रहने के बावजूद भी बच्चे नहीं हुए तो वे अलग अलग हो जाते हैं, फिर किसी और के साथ लिविन में रहे बच्चे पैदा करने की कोशिश करते हैं। आज हम बताते हैं इस परंपरा के पीछे की पूरी कहानी। राजस्थान के उदयपुर, सिरोही और पाली जिले में ग्रासिया जनजाति रहती है। इस जनजाति की अनोखी परंपरा आज के मॉडर्न सोसाइटी की लिविन से मिलती जुलती है। यहाँ जवान होने के बाद लड़के लड़कियाँ आपसी सहमति से एक दूसरे के साथ लिविन में रहते हैं। इसके बाद बच्चे पैदा हो जाने पर वे शादी करते हैं। अधिकांश बार बच्चे पैदा होने के बाद परिवार की जिम्मेदारियों के चलते ये शादी को टालते रहते हैं। कई बार 50 या इससे अधिक की उम्र में ये इस रिश्ते को अमली जामा पहनाते हैं। इस दौरान कई बार जवान बेटे और पोते भी इनकी बारात में शामिल होते हैं। हाल ही में एक 80 साल के बुजुर्ग पाबुरा ने अपनी 70 वर्षीय लिविंग पार्टनर रुपली से शादी की है। इस शादी में पाबुरा के पूरे पोते तक बारात में शामिल हुए थे। ऐसे बनी थी इनकी लिविंग की ये धारणा। सालों पहले ग्रासिया जनजाति के चार भाई कहीं और जाकर बस गए। इनमें से तीन ने शादी की और एक समाज की कुंवारी लड़की के साथ लिविंग में रहने लगा। शादीशुदा तीनों भाइयों के कोई औलाद नहीं हुई, बल्कि लिविंग में रहने वाले भाई के बच्चे हुए और उसी से वंश आगे बढ़ा। बस इसी धारणा ने समाज के लोगों के जेहन में इस परंपरा को जन्म दिया। कहते हैं इन जनजाति में ये ट्रेडिशन 1000 साल पुराना है। लिविंग को कहते हैं दापा प्रथा। राजस्थान और गुजरात में इस समाज का दो दिन का विवाह मेला लगता है, जिसमें टीनेजर एक दूसरे से मिलते हैं और भाग जाते हैं। भागकर वापस आने पर लड़के लड़कियां बिना शादी के पति पत्नी की तरह साथ रहने लगते हैं। इस दौरान सामाजिक सहमति से लड़की वाले को कुछ पैसे लड़के वाले दे देते हैं। हालांकि बच्चे पैदा होने के बाद वे अपनी सहूलियत से कभी भी शादी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, यदि औरत चाहे तो किसी और मेले में दूसरा लिविंग पार्टनर भी चुन सकती है। इसके लिए नए लिविंग पार्टनर को पहले पार्टनर की तुलना में ज्यादा पैसा देना होता है। कई लोगों की शादी तो बूढ़े होने पर उनके बच्चे करवाते हैं। इसके अलावा कई बार बच्चे अपने माँ बाप के साथ मिलकर शादी करते हैं। इतना ही नहीं, दूल्हे के घर वाले शादी का खर्चा उठाते हैं और शादी भी दूल्हे के ही घर में होती है। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।